बंदर की कहानी। एक हरे भरे जंगल में बंदर और मोर अच्छे दोस्त थे। मोर अपनी सुंदरता के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। जब भी वह अपने पंख फैलाता, सभी जानवर उसकी तारीफ करते थे। बंदर को यह देखकर बहुत ईर्ष्या होती थी। उसे लगता था कि मोर हमेशा ध्यान खींच लेता है और वह कुछ चाहे कितना भी नाच गाना करे, कोई उसकी उतनी तारीफ नहीं करता। एक दिन बंदर ने मोर से कहा, तुम्हारी सुंदरता तो सबको दिखती है, लेकिन मैं भी अच्छा नाचता हूँ, फिर भी मेरी कोई तारीफ क्यों नहीं करता। मोर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा नाच सच में अच्छा है, लेकिन तुम्हें अपनी काबिलियत पर गर्व करना चाहिए, ना कि दूसरों से ईर्ष्या करनी चाहिए। लेकिन बंदर ने मोर की बात नहीं मानी और सोचने लगा, अगर मैं मोर जितना सुंदर होता तो सब मुझे भी पसंद करते। अगले दिन बंदर ने एक चाल चली। उसने मोर के रंग बिरंगे पंखों की नकल करने के लिए रंग बिरंगे पत्तों और फूलों का इस्तेमाल किया और उन्हें अपने शरीर पर चिपका लिया। वह खुद को मोर जैसा दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वह जंगल के बीच में नाचने के लिए पहुंचा, तो सब जानवर हंसने लगे। उसकी नकली सुंदरता और बनावटीपन को देखकर किसी ने भी उसे गंभीरता से नहीं लिया। बंदर बहुत शर्मिंदा हुआ और भागकर मोर के पास गया। मोर ने प्यार से कहा, तुम्हारी अपनी विशेषताएं हैं और मुझे अपनी सुंदरता पर गर्व है, लेकिन तुम्हें अपने हुनर पर गर्व करना चाहिए। अगर तुम दूसरों से ईर्ष्या करने के बजाय अपनी खासियतों पर ध्यान दोगे, तो तुम्हें भी लोग उतना ही पसंद करेंगे। बंदर को अपनी गलती समझ में आ गई और उसने वादा किया कि वह अब अपनी कला में मेहनत करेगा और किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा। कहानी से सीख, हमें अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना चाहिए और दूसरों से ईर्ष्या करने के बजाय अपने खुद की काबिलियत को पहचान कर उसे और बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।